Hi guys, hope you are doing well. So today's recipe is this pav bhaji quesadillas. This is an amazing evening snack. If you are looking for an evening snack which you can make just under 10 to 15 minutes, you have to try this recipe. It's a super quick recipe and turns out super yum. So for that we have taken a pan and isme humne add kiya hai around 2 tablespoon of butter and uske baad hum add kar rahe hain around 1 teaspoon of oil. Ab hume butter aur oil ko achhi tarah mix karna hai and thoda sa hi warm up karna hai, usse zyada nahi. And then we'll add chopped onions into it and then we'll saute the onions just for 30 seconds, not more than that. Aapko is recipe mein kisi bhi veggie ko zyada cook nahi karna hai bilkul bhi. Hume har ek cheez ko sirf 30 seconds ke liye saute karna hai. एंड एक बार अनियंस अच्छे से सॉटे हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम. इफ़ यू वांट आप चॉप्ड बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हो, येलो और रेड कलर वाली, बट ग्रीन कैप्सिकम भी मोर देन इनफ हो जाएगी. एंड एक बार बेल पेपर को हमने अच्छी तरह सॉटे कर लिया, देन वील ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ अ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड 1 टी स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर. अब हम सारे मसालास को अच्छी तरह मिक्सअप कर देंगे विद द वेजीज, अगेन जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. एंड आफ्टर दैट वील ऐड चॉप टमेटोज, और चॉप टमेटोज को भी हम अच्छी तरह एक बार सॉटे कर लेंगे. नेक्स्ट वी आर एडिंग रेडीमेड टमेटो प्यूरे. ये जैसे डाबर की या होममेड ब्रांड की इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में. एंड विद डैट वी आर एडिंग 2 टीस्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. दिस इज ऑल्सो मार्केट बाय जिंजर गार्लिक पेस्ट. इफ़ यू वॉन्ट आप घर में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह कुक करेंगे विद एवरीथिंग. एंड आफ्टर दैट वी हैव एडेड 1 फुल टी स्पून ऑफ पाव भाजी मसाला. नाउ दिस इज द स्टार इन्ग्रीडियंट ऑफ द डिश बिकॉज वी आर मेकिंग पाव भाजी केसरियाज, सो वी हैव टू एड पाव भाजी मसाला. एंड दिस इज ऑल्सो द रेडीमेड MDH का जो पाव भाजी मसाला आता है वही. एंड पाव भाजी मसाला को भी हमने अच्छी तरह कुक कर लिया है. एंड फाइनली वी आर एडिंग सम बॉइल्ड पोटेटोज. वी आर जस्ट एडिंग 1 बॉइल्ड पोटेटो. ज़्यादा पोटेटोज ऐड मत करना वरना बहुत ज़्यादा पोटेटोज का टेस्ट आएगा. जस्ट 1 बॉइल्ड पोटेटो विल बी मोर देन एनफ. एंड अच्छी तरह पोटेटो को भी हम कुक कर लेंगे. एंड उसके बाद हम यहाँ ऐड कर रहे हैं अराउंड 1/4 कप ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर. सो हम सिर्फ ग्रेवी की साइड लेके जाना चाहते हैं इसको, तो 1/4 कप ऑफ वाटर विल बी मोर देन एनफ. And now the filling is completely ready. But just to make it a little bit more mashy, we are using this thing जिससे अच्छी तरह mash हो जाएंगी and सारी veggies और spices भी अच्छी तरह mix up हो जाएगा. You just have to mash everything for 10 to 20 seconds and here the filling is completely ready. एंड नाउ वी हैव टेकन दीज 2 होममेड चपातीज़. ये वही नॉर्मल चपातीज़ है जो अपने मील्स में लेते हैं. इफ़ यू वॉन्ट आप यहाँ पे मैदा चपातीज़ भी ले सकते हैं. केसरियाज यूजुअली मैदा के ही होते हैं, लाइक मैदा चपातीज़ के, बट वी वॉन्टेड टू मेक अ हेल्दी वर्जन आउट ऑफ इट. सो हमने यहाँ पे नॉर्मल चपाती ली है और एक चपाती पे हम केचप अप्लाई कर देंगे. इफ़ यू वॉन्ट योर केसरियाज टू बी स्पाइसी तो आप रेड चिली सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही चपाती पे अप्लाई करनी है सॉस. एंड उसके बाद हम अपनी फिलिंग प्लेस कर देंगे इसके ऊपर. जो सॉस लगाइए जिस चपाती पे, उसी चपाती पे हम अपनी फिलिंग भी अच्छी तरह प्लेस कर लेंगे. एंड जस्ट मेक श्योर कि फिलिंग अच्छी तरह, यू नो, द फिलिंग शुड रीच ईच एंड एवरी साइड एंड कॉर्नर ऑफ द चपाती. एंड आफ्टर दैट जस्ट ऐड सम चॉप्ड टमेटोज एंड अनियंस. इससे क्रंच आएगा बेसिकली. एंड उसके बाद हम अनियंस एंड टमेटोज को थोड़ा सा टॉप करेंगे विद लेमन जूस. दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. आप लेमन जूस की जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको कोई टैंगी इंग्रेडिएंट ऐड करना ही पड़ेगा, वेदर इट्स लेमन जूस और इट्स चाट मसाला. और अब हम इसे कवर कर देंगे विद अनदर चपाती, जस्ट लाइक दिस. एंड हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइक यू कैन से अ लिटिल प्रेस. एंड नाउ वी हैव टेकन अ पैन एंड उसे हम ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज बटर एट दिस स्टेज, बट वी हैव जस्ट यूज ऑलिव ऑयल. एंड उसे हल्का सा गर्म करने के बाद हम अपना कैसेडिया उसमें अच्छी तरह प्लेस कर देंगे. एंड अब हम इसे अच्छी तरह, यू कैन से, कुक होने देंगे या टोस्ट होने देंगे फॉर अराउंड 1 मिनट ऑन वेरी लो फ्लेम.
एंड उसी टाइम जो ऊपर की साइड वाली चपाती होगी उस पर भी हम अच्छी तरह ऑयल लगा देंगे। एंड अब इसे आपको लो फ्लेम पे ही बनाना है, प्लीज़ मेक श्योर ऑफ डैट, बिकॉज चपाती ऑलरेडी कुक्ड है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये जल जाएगी। सो आपको इसको स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है और अराउंड 40 to 50 seconds। और अगर आपको लग रहा होगा कहीं से फिलिंग आपकी बाहर आ रही है केसरिया की, तो आप उसे ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं टुवर्ड्स द इनसाइड। एंड इट्स बीन 40 to 50 seconds और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। एंड हेयर यू कैन सी कि हाउ क्रिस्पी इट हैज टर्न्ड आउट। और ये इतना क्रिस्पी तभी होगा जब आप इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट थिंग। And now it's been 40 to 50 seconds again and hum ise dobara ek baar flip karke check karenge and finally you can see that from both the sides the quesadilla is completely and nicely toasted and now it's completely done. And here we are just cutting it into pieces. If you want aap isko 2 pieces mein bhi cut kar sakte hain, but we prefer cutting it into 4 pieces because it becomes much more convenient to eat in that way. But if you want aap isko 2 pieces mein bhi cut kar sakte hain, completely up to you. And here you can see guys, the filling is looking so nice. It is super soft and tangy from inside and upar se quesadilla hamare bahut acche crunchy ho chuke hain and this is a perfect evening snack. And now we are serving it with some chopped tomatoes and onions and it is completely ready. Do try it guys, you will love it for sure. This is a best evening snack option or you can even try it in breakfast as well. And yeah, we'll see you in our next one. Till then, take care. Bye-bye.